हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से है। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वह आता है कि फसल यानी कि क्रॉप यानी और क्वेश्चन मार्क मतलब कि फसल होती क्या है या क्रॉप है वो किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए फसल या क्रॉप की, तो मान लो कोई व्यक्ति है जो अपने घर के पीछे जो जगह है वहाँ पे वो 2-3 गेहूं के पौधे उगाता है, तो क्या उसको फसल या क्रॉप बोलेंगे? नहीं, उसको फसल नहीं बोला जाएगा। फिर यहाँ पे एक मन में सवाल उठता है कि फसल यानी कि क्रॉप जो है उसको डिफाइन कैसे करें, उसको परिभाषित कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है क्रॉप की, कि सेम टाइप के जो प्लांट्स हैं, सेम टाइप के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल में उगाना ही क्या कहलाता है, ग्रोन करना ही क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। इस नहीं बोले तो एक समान पौधों को या प्लांट्स को बहुत बड़े स्तर पे उगाना, बहुत बड़े पैमाने पे उगाने क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। जैसे कि खेत में, खेत जो होता है वो बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल यानी एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो सेम टाइप के जैसे कि गेहूँ, कपास और अलग अलग तरह की फसल उसमें उगाते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ उसके बाद क्रॉपिंग जो है वो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, कि जो फसल है फसलों के प्रकार का आधार मतलब कि किसके बेसिस पर, उनके उगाने के बेसिस पर यानी उनकी सोइंग के बेसिस पर या पैटर्न के बेसिस पर दो टाइप्स के होते हैं, ये याद रखना। एक तो होता है आपके खरीफ क्रॉप, एक होता है आपके रबी क्रॉप यानी खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है, तो खरीफ फसल किसको बोलते हैं, तो वो सारी फसलें हैं, वो सारी क्रॉप्स जिसको विंटर सीजन में, सॉरी रेनी सीजन, कौन सीजन में, रेनी सीजन में जिसको सोन किया जाए यानी बोया जाए, जिसको रेनी सीजन में जिसको बोया जाता है वो सारे के सारे क्रॉप्स किस में आती है, वो आती है आपके खरीफ क्रॉप के अंदर। हिंदी बोले तो वे सारे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है किस में आती है, खरीफ फसलों में आती है। अब इसके अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, समय अंतराल की, तो जून टू सेप्टेम्बर यानी जून से सितंबर तक इनकी अवधि रहती है, जिसमें जून जुलाई में तो इनको बोया जाता है, अप टू सेप्टेम्बर तक आते आते इनकी हार्वेस्ट यानी इनकी क्या करी जाती है, कटाई कर दी जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पेड़ी यानी कि धान, मेज यानी कि मक्का, सोयाबीन, इसके अलावा कपास है यानी कॉटन, इसके अलावा ग्राउंडनट, मूंगफली, वो भी इसके एग्जाम्पल होते हैं खरीफ क्रॉप के। सिंपल से याद रखना है कि ये जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन क्रॉप है यानी बरसात या वर्षा ऋतु में होने वाली जो क्रॉप है। इसके बाद अगर बात करूँ रबी क्रॉप की या रबी फसल की, इसका जो सोन पीरियड आता है, उगाने का टाइम आता है, वो आता है विंटर सीजन में, यानी कि हिंदी बोले तो शरद ऋतु या जाड़े की ऋतु या सर्दियों की ऋतु में इसको बोया जाता है। इसके अगर मैं बात करूँ टाइम इंटरवल की, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसका टाइम पीरियड हो गया। और इसके एग्जांपल यानी अक्टूबर से मार्च का मतलब है कि अक्टूबर में के आसपास तो इनको बोया जाता है, और मार्च तक आते आते इनको जो मैच्योर क्रॉप्स है उनको क्या कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, उनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। अगर बात करूँ इनके एग्जाम्पल की, तो दे आर सम एग्जाम्पल, वीट, ग्राम, पी यानी कि गेहूँ, दाल, मटर, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इन दोनों के अलावा एक और टाइप्स की क्रॉप होती है जिसको हम बोलते हैं जायद फसल या जायद क्रॉप। वो उसका देखो सिलेबस में अपने है नहीं, फिर भी देख लेते हैं उसको। देखो अगर बात करूँ मैं विंटर और रेनी सीजन के बीच के टाइम पीरियड की बात करूँ, मतलब कि विंटर के बाद गर्मी आती है, तो गर्मियों में जो फसल उगाई जाती है वो सारी की सारी किस्में आती है, जायद क्रॉप्स में। ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ आपके फ्रूट्स वगैरह आते हैं, मैंगो एंड वाटरमेलन वगैरह। ठीक है, अगर बात करूँ उसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि फसल पद्धतियाँ होती क्या है। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि एक दो तरह की ज़मीन है, एक ज़मीन है जिस पर खेती जस्ट अभी हुई है, जिसमें अपन ने कटाई की है वो, या फिर एक ऐसी ज़मीन जिस पर अपन ने अभी तक खेती नहीं की है, मतलब उन पर हमें क्या करनी है, अब खेती करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट या एक दिन के एक रात के बाद या अचानक से यहाँ पर फसल उग जाएगी, एक लंबा टाइम पीरियड होता है, एक लंबा मतलब आपको अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस वहाँ पे करनी पड़ती है, जब तब जाके वहाँ पर एक खेत एक फसल उगती है। तो वो जो तरीके हैं, वो जो प्रैक्टिसेस हैं, वो एक क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी फसल पद्धतियाँ। इसमें सबसे पहले आता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल,
यानी मिट्टी तैयार करना, फिर सोइंग मतलब बीजों को बोना, फिर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मतलब कि खाद और उर्वरकों को फसलों मिट्टी में मिलाना। अब बात कीजिए प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से बचाओ। नेक्स्ट है आपके यहाँ तक होने के बाद इसमें एक पॉइंट रह गया है इरीगेशन, ठीक है। एक है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, इसके बाद आता है स्टोरेज यानी कि भंडारण। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू यहाँ तक आते आते हैं जो आपकी लैंड जो जिसमें फसल नहीं थी वहाँ पे क्या उग जाती है, फसल उग जाती है, फिर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं अपन, काट देते हैं उसका, तो क्या करते हैं उसका स्टोरेज। अपन एक एक करके सबके बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये बेसिकली चैप्टर का इंट्रो था। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स को। दोस्तों धन्यवाद।